नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे JVT वर्सेस BEd केस के बारे में। JVT टेट में एंट्री की सोच रहे BEd प्रशिक्षुओं को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। वीरवार को मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने BEd उम्मीदवारों को JVT टेट देने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश तल्लोक सिंह चौहान और न्यायाधीश बीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने प्रधान सचिव शिक्षा से 2 हफ्ते में जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता मोहित ठाकुर ने प्रधान सचिव शिक्षा के अलावा निदेशक प्राथमिक शिक्षा, हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग और स्कूल शिक्षा बोर्ड को प्रतिवादी बनाया है। अदालत अब 15 दिसंबर को मामले पर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की 5 नवंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती दी है। इसके तहत BEd डिग्री धारकों को JVT टेट के लिए पात्र किया गया था। आरोप लगाया गया कि बोर्ड ने निदेशक प्राथमिक शिक्षा की ओर से 4 नवंबर को जारी निर्देशों के आधार पर यह निर्णय लिया है। दलील दी गई कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी NCET की जिस अधिसूचना के तहत BEd डिग्री धारकों को JVT टेट के लिए पात्र किया गया है, उसे राजस्थान हाईकोर्ट रद्द कर चुका है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में भी पुनर्विचार याचिका लंबित है। NCET की 28 जून 2018 की अधिसूचना की वैधता सर्वोच्च अदालत में लंबित है। ऐसे में BEd डिग्री धारकों को JVT टेट के लिए पात्र करने का निर्णय सरासर गलत है। आपको बताना चाहूँगा, 26 नवंबर 2021 को हाईकोर्ट ने JVT भर्ती मामलों पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए NCET के नियम प्रारंभिक शिक्षा विभाग के साथ साथ अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं। अदालत ने आदेश दिए थे कि NCET की अधिसूचना के अनुसार JVT पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन किया जाए। अदालत के इस फैसले से JVT पदों के लिए BEd डिग्री धारक भी पात्र हो गए थे। बाद में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका में पारित आदेशों के अनुसार इस फैसले पर रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद BEd डिग्री धारक फिर से इन पदों के लिए अयोग्य हो गए थे। इस केस की अगली सुनवाई 15 दिसंबर 2022 को होगी। जब तक केस चलेगा, BEd अभ्यर्थी JVT टेट नहीं दे पाएंगे। JVT वर्सेस BEd केस पे कोई भी सूचना रहेगी मैं अपने YouTube चैनल पे अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।